Hello, my dear students. Welcome to the class of Mathematics by Maninder Singh Sidhu. And today is the second class of the topic Determinants. Last class mein I told you ki kaise determinant ki value find karte hain, determinant hota kya hai. 2 by 2 determinant solve karke bataya tha, 3 by 3 solve karke bataya tha, 4 by 4 solve to nahi kiya tha, but I told you the way. Aapko way maine sikha diya tha wahan pe. Theek hai, aaj hum determinant pe based ek bahut hi important property ka एक्सप्लेनेशन और उसकी डेरिवेशन करने वाले हैं. डेरिवेशन नहीं, मैं आपको उसकी वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा. विच इज k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट. k इज अ स्केलर, a इज अ मैट्रिक्स. k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये k रेस टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a आएगा. ठीक है, अब यहां पे n जो है वो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ a है. यानी कि अगर a जो है वो 2 बाय 2 ऑर्डर का है तो यहां पे k का स्क्वायर बन जाएगा. और अगर when n इज इक्वल टू 2 तो k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट विल बी k स्क्वायर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. एंड when n इज इक्वल टू 3 डिटर्मिनेंट ऑफ k a विल बी इक्वल टू k क्यूब इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. यहां पे स्क्वायर आ जाएगा अगर 2 बाय 2 ऑर्डर है, और क्यूब आ जाएगा अगर 3 बाई 3 ऑर्डर का है. रिमेंबर कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, राइट? तो चलिए ये दोनों रिलेशन 2 बाई 2 और 3 बाई 3 ऑर्डर वाले, क्योंकि यही हमारे कोर्स में है, इनकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं. ठीक है, पहले एक 2 बाई 2 ऑर्डर वाला केस लेते हैं. एक मैट्रिक्स है 1 2 1 6 एंड वी वॉन्ट टू शो दैट 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट, 3 टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट विल बी 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब 9 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 2 बाय 2 ऑर्डर का हो तो यहां पे जो भी स्केलर होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अभी हम प्रूव करके देखते हैं. सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, उसके लिए मैं इनको मॉडुलस वाले ब्रैकेट्स में रख रहा हूं. मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6 - 2 दैट इज 4. अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू 4 आ चुकी है, तो 4 9 36 होता है, तो दैट मींस इसकी वैल्यू 36 आनी चाहिए. लेट अस चेक दैट. नाउ सबसे पहले आई एम गोइंग टू फाइंड थ्राइस ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो 3 क्योंकि एक स्केलर है तो सभी एलिमेंट्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 3 18, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a आई एम पुटिंग देम इन दीज मॉडुलस ब्रैकेट्स. देन 18 3 the 54 and 6 3 the 18 माइनस करने पे आता है 36. तो क्या 36 4 का 9 टाइम्स है? यस, बिल्कुल है. तो क्लियरली थ्राइस ऑफ डिटर्मिनेंट ए 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए के इक्वल आ जाता है. तो अब आपको ये चीज वेरिफिकेशन से पता चल गई है कि अगर ए जो है 2 बाय 2 ऑर्डर का है तो यहां पे जो भी स्केलर रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि अगर मैं यहां पे 2a रखता हूं तो ये 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a बनेगा. यहां पे अगर मैं 8a रखता हूं तो ये 64 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा. चलिए अब यही प्रॉपर्टी हम 3 बाय 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में भी चेक करते हैं. यहां पे मैं इस बार जो मैट्रिक्स लेने वाला हूं वो 3 बाय 3 ऑर्डर का होगा. तो 1 2 3 0 1 2 0 9 1, राइट? अब मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगा. आई वांट टू शो कि ट्वाइस ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा. अब देखिए 3 बाय 3 का ऑर्डर है, 3 बाय 3 ऑर्डर वाले में यहां पे जो भी स्केलर होता है उसका क्यूब हो जाता है, राइट? तो 2 का क्यूब बन जाएगा 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए. तो यहां पे मैं साइन नोटेशन लगा रहा हूं, ऑल दो हमें मैट्रिक्स पे नहीं लगानी चाहिए, बट यहां पे आई एम सेविंग सम स्पेस तो मैं यहीं पे कर रहा हूं. तो ये सबसे पहले 1 है, फर्स्ट रो के अलोंग में सॉल्व करके दिखा रहा हूं. फर्स्ट के साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं कट करता हूं तो ये एलिमेंट बचेंगे. तो 1 2 9 1. नेक्स्ट इज 2 और साइन नोटेशन नेगेटिव है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो बचेगा 0 0 2 1. एंड द नेक्स्ट वन इज 3 और प्लस का साइन है और ये बन जाएगा 0 0 1 9.
तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 के साथ 1 माइनस 18 आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट माइनस 2 के साथ 0 माइनस 0 आ रहा है विच इज 0, एंड 3 के साथ भी 0 माइनस 0 आ रहा है. मैंने यहां पे एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें जीरो थोड़े ज्यादा थे, तो कैलकुलेशन काफी इजी हो गई है. तो माइनस 17 वन द माइनस 17 देन बोथ आर 0, तो इसका आंसर माइनस 17 आया है, राइट. अब मैं चेक करना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 8 अगर 17 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 17 आया तो 17 8 जा कितना होता है, 8 7 द 56, तो 136 होता है. तो दैट मींस अगर ये माइनस 17 है तो ट्वाइस ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 136 आनी चाहिए. नाउ लेट अस चेक दैट. अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए फाइंड करना चाहता हूं उसका डिटर्मिनेंट, तो पहले इस मैट्रिक्स का ट्वाइस कर लेते हैं. ट्वाइस करेंगे तो बनेगा 2 4 6 0 2 4 0 18 2. अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं. अगेन आई एम सेविंग सम स्पेस, मैं डिटर्मिनेंट वाली लाइंस अभी नहीं लगाई हैं, सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूं. तो 2 के साथ आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 18 2. नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस फोर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो आएगा 0 0 4 2. एंड नेक्स्ट वन इज 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 0 0 2 18. अब ये बनेगा 2 to the 4 18 4 the 72, बीच में माइनस का साइन. देन ये आप देख सकते हैं 0 माइनस 0 0 ही बन जाएगा, एंड यहां पे भी 6 के साथ 0 माइनस 0 0 ही बन जाएगा. अब हमारे पास यहां पे क्या बचता है, यहां पे वी हैव गॉट -68, राइट. तो 2 into -68, बाकी की सारी वैल्यू 0 दी हो रही है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -136. तो यही हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था. तो दैट मींस क्लियरली ट्वाइस ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू का 8 टाइम्स है. ये हमने प्रूव करके दिखा दिया. तो ये आज की जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स पे. ये आगे जब हम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है. तो इसका आप इससे आप ये भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर हमें कुछ कॉमन निकालना हो, जैसे मल्टीप्लाई किया तो वो 3/3 में क्यूब हो जाता है, ठीक है. तो ऐसे जब हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकलने वाली डिजिट का भी क्यूब हो जाएगा, अगर वो सबसे कॉमन निकल रही होगी. मैट्रिसेस की तरह नहीं है, मैट्रिसेस में एक ही बार कॉमन आता था. तो ये हम आगे की क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.